जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज सोम और आप देख रहे हैं राज सोम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। आज की इस चैनल पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 31 जनवरी 2021 को जो होने वाला सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि दो चरणों में कंडक्ट किया जाएगा, एक है 9 बजे से और 12 बजे तक, और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक। जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होगा वो होगा 9:30 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद मिडिल लेवल का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक। मैंने इस बारे में जब इंटरनेट पे थोड़ा सा पढ़ाई करी थी, थोड़ा सा रिसर्च करी थी कि हमें क्या क्या ले जाना चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में हमें वहाँ पे एक नोट्स मिला, और उस नोट्स में मुझे लिखा गया था कि हमको अपने साथ इस बार जो सामान हर बार हम एग्ज़ाम में लेकर के जाते थे उनके अलावा भी कुछ और चीज़ों को लेकर के जाना है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को अवगत करा देना चाहिए। कुछ लोग, कुछ अभ्यर्थी इस बात को जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो जो लोग नहीं जानते वो इस बात को जान लें। जैसे कि आप को अपने साथ लेकर के जाना है सबसे पहले एक चार्ट सीट, जिसमें कि आप अपना एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के साथ साथ इस बार एक और चीज़ आ गई है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि आपको अपने आप को डिक्लेयर करके जाना है कि कहीं आप कोविड-19 से संक्रमित तो नहीं है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें आपको लिखा गया है सबसे पहले, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम्स, यानी कि ये जो नीचे लिखे गए हैं सिम्टम्स, यानी चार सिम्टम्स हैं, पहला है कफ, दूसरा है फीवर, फिर कोल्ड रनिंग नोज, और चौथा है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। कफ आप समझ सकते हैं, फीवर का मतलब बुखार, कोल्ड रनिंग नोज यानी नाक का बहना ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में कहीं प्रॉब्लम्स। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस का निशान दे देना है, ये जो खाली बॉक्स है ना इनमें क्रॉस कर देना है कि नहीं इनमें से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा फिर नीचे लिखा गया, आई एम सर्टिफाइंग दैट आई हैव नॉट been identified as a potential carrier of the COVID-19 virus. I also understand that the health and well-being of our community is our first priority. Therefore, the exam center reserves the right to deny entry to its premises. ठीक है ना, तो ये चीज़ आप अपने आप को सर्टिफाई कर रहे हैं इस बात से, इस डिक्लेरेशन फॉर्म से। उसके अलावा फिर नीचे लिखा क्या गया है, कैंडिडेट नाम, तो कैंडिडेट का नाम आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, रोल नंबर तो आप अपना रोल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद लिखा गया डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे छपा छपाया रह रहा है, ठीक है ना, 31/1/2001 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 2021 के बारे में। उसके बाद है एग्ज़ाम सेंटर नेम एड्रेस, तो एग्ज़ाम सेंटर नेम एड्रेस जो है ये आपका जो एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पे है, एग्ज़ाम देने आप कहाँ पे जाने वाले हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पे भर देना। और उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो आपको अपना सिग्नेचर कर देना। तो इस चीज़ को लेकर जाएंगे, ये आपका वहाँ पे चेक होगा, और उसके बाद आपका रहेगा आपका एडमिट कार्ड, जो कि हर बार की तरह इस बार भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा आपको अपने साथ साथ बीएड का जो मार्कशीट होती है, ठीक है ना, आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर बीएड फाइनल ईयर में, आपके पास जो भी मार्कशीट है इन चीज़ों को, इसको भी आपको अपने साथ लेकर के जाना है। जैसे कि यहाँ पे ये है बीएड का मार्कशीट, तो इस चीज़ को आपको अपने साथ लेकर जाना है। और इसके अलावा भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पैन कार्ड भी लेकर जाना है और आधार कार्ड भी लेकर जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप हर बार की तरह इस बार भी अपने साथ ले जाएंगे, और साथ में लेकर जाएंगे ब्लू एंड ब्लैक पेन, यानी कि ब्लैक और ब्लू पेन को लेकर जाना है आपको अपने साथ, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाइएगा, तो क्योंकि वहाँ पे जेल पेन इसलिए नहीं यूज की जाती है क्योंकि जेल पेन की जो इंक होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बाहर आती है, तो जब हम वहाँ पर OMR सीट को जब भरते हैं तो वहाँ पर इंक ज़्यादा निकलने की वजह से हो सकता है कि उसमें कुछ ज़्यादा इंक निकल जाए, और हमें वहाँ पे जो आवश्यकता से अधिक इंक जब हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, OMR सीट अच्छी तरीके से नहीं भर पाएगी, उसको बाहर तक नहीं भरना होता है, वो बाहर जब फैल जाएगी तो वो नगण्य माना जाएगा, उसको गिना नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हमें वो नहीं लेकर जाना है। उसके अलावा आपको अपने साथ लेकर के जाना है एक सर्जरी ग्लव्स, जो कि मैंने उसके बाद जो मैंने बताया था ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको अपने साथ लेकर के जानी है इस बार, हर बार की तरह नहीं है, इस बार कुछ अलग लेकर जाना है। तो सर्जरी ग्लव्स में आपको ये जो मेडिकल में आप देखते होंगे ना जनरली यूज किया जाता है ग्लव्स, ठीक है, जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, तो इस सर्जरी ग्लव्स को आप वहाँ पे लेकर जाएंगे, ठीक है ना, इसको पहन करके जाना है। उसके साथ साथ आपको मास्क यूज़ करना है, मास्क लेकर जाना है, मास्क लगा के भी जाना है। और फिर मैंने देखा था कि वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र भी लेकर जाना है, ठीक है ना, हैंड सैनिटाइज़र को भी अपने साथ लेकर के जाना है, हो सकता है अगर ऐसा ना करते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम है। और फिर साथ साथ आपको एक पानी का बॉटल लेकर जाना है, पानी का बॉटल। इन सारी चीज़ों को आप अपने साथ वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मेरा बताने का सिर्फ यही मकसद था कि जब आप
अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको अपने साथ COVID-19 जो कि अभी पूरा विश्व इस माहौल से गुजर रहा था, इसके बाद आपको जब जाना है तो कुछ चीज़ों का बदलाव कर दिया गया है और अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर जाना है, तो उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बात करी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जाइएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहूँगा कि आपको अपने साथ साथ क्या लेकर जाना है। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के जाना है, बीएड का अपना जो भी आपके पास मार्कशीट वगैरह उनको लेकर जाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद आपको क्या लेकर जाना है, पानी का बॉटल, सर्जरी ग्लव्स, उसके बाद फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र। इसके अलावा आपको क्या नहीं लेकर जाना है, तो वहाँ पे ना तो कोई आपको मोबाइल लेकर के जाना है, कोई ब्लूटूथ वगैरह का जो भी यंत्र है उन चीज़ों को नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। कुछ आजकल ऐसी घड़ियाँ भी आ गई हैं तो ऐसी घड़ियों को नहीं लगा कर जाना है, नॉर्मली घड़ी लगा के जा सकते हैं, जैसे कि मैं लगाया हूँ, एक नॉर्मल घड़ी है भाई, ठीक है। तो ऐसी घड़ियों को आप लगा करके जा सकते हैं टाइम वगैरह देखने के लिए, और जो मैंने बताया उस चीज़ का इस बार ध्यान से पालन करना है और अपने आप को जितना हो सके बचा करके रखना है, लोगों से दूरी बना के रहिएगा क्योंकि कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। तो मेरा आपसे बस यही अनुरोध है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय। हे देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।